A big hello to everyone. Alright guys, आज मैं आपको अपनी फेवरेट ओट्स की रेसिपी दिखाने वाला हूँ. पहले मैं बहुत ज़्यादा खाया करता था ये ओट्स की रेसिपी, बट आई डोंट नो, काफ़ी टाइम से मैं नहीं बना रहा था ये ओट्स की रेसिपी. आज मेरा बहुत मन किया कि मैं यही वाली एग्जैक्टली सेम ओट्स की रेसिपी बनाऊँ, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं आपके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर करूँ. गाइस ये रेसिपी बहुत अच्छी है, पोस्ट वर्कआउट आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन ऑल्सो. तो जो भी मैंने चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो इस रेसिपी को बनाने में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं ओट्स. मैंने क्वेकर के ओट्स यूज़ करे हैं यहाँ पर. आपका जो मन है आप वो ओट्स यूज़ कर सकते हैं. 40 ग्राम्स मैंने यहाँ पर ओट्स लिए हैं गाइस. जैसा कि आपको पता है ओट्स आर रियली गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स फुल ऑफ फाइबर, बहुत ज़्यादा फिलिंग होते हैं. तो अगर आपको स्नैक्स की दिक्कत है ना कि यार ब्रेकफास्ट के बाद भूख लगती है, तो वो शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी. इट्स रियली गुड अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं. तो गाइज मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इसको गैस स्टोव पे पकाना. अगर आप चाहते हैं माइक्रोवेव में बनाना तो आप वैसे भी कर सकते हैं. एक्चुअली गैस स्टोव पे ये होता है कि मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ. कभी मुझे रनिंग खाने का मन करता है, कभी मुझे थिक खाने का मन करता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए. आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में बना लीजिए. मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं गैस के अंदर बनाऊँ. तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मुझे इसके लिए चाहिए. चलिए गाइज, मैंने एक प्रोटीन शेक यहाँ पे लिया है. आप कोई भी प्रोटीन शेक ले सकते हैं. मैं पर्सनली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का यूज़ करता हूँ. वे प्रोटीन मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप मंगवा सकते हैं. और सबसे अच्छी चीज़ आजकल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन में ये है कि गाइज वो ना कूपन कोड देते हैं जो आपको स्क्रैच करना होता है, विच इज़ रियली अमेजिंग. तो फेक सप्लीमेंट से आप बच सकते हो. कहीं से भी ऑर्डर करो, अगर आप वो देखते हो कि स्क्रैच कूपन है उसके अंदर, तो वो बढ़िया है गाइस. मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है. तो एक स्कूप में करीब 24 ग्राम मेरे पास प्रोटीन है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो. इट्स रियली गुड गाइज. उसके बाद मैंने लिया है गाइज पीनट बटर. पीनट बटर जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छा है, इट्स रियली अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ही फिलिंग है. और ओट्स और जब प्रोटीन सॉरी पीनट बटर आप साथ में खाते हो तो बहुत फिलिंग आपको लगता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती. बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं पीनट बटर में. ऑल्सो गाइज विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत होते हैं. बस आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ गाइज, कि आप कोई चीनी वाला मत मंगवाइएगा. यहाँ पर मैं अनस्वीटेंड यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट टू चंकी. मुझे चंकी ज़्यादा पसंद है गाइज, नॉर्मल नहीं अच्छा लगता. चलो गाइज, इसके ऊपर से मैं कोको पाउडर डालूंगा. वैसे तो प्रोटीन शेक के भी अंदर कोको है, बट मुझे अच्छा लगता है ऊपर एक्स्ट्रा चॉकलेटी. अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा गाइज, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अनस्वीटेंड ही यूज़ कीजिएगा. आपकी मूड एनहांसिंग के लिए बहुत अच्छा है कोको पाउडर, इट्स वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. तो चलो मेरे ओट्स बन गए हैं, जल्दी से मिला देते हैं प्रोटीन पाउडर, कोको पाउडर और पीनट बटर के साथ हमारे ये अच्छे से पके हुए ओट्स. अच्छे से गाइज इसको मिलाइएगा, ताकि आपको अच्छी सी एक अरोमा मिले, एक स्मेल मिले. इसके अंदर सब कुछ है गाइज, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने वाली अगर आप ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज गाइज, अगर आप इसको पोस्ट वर्कआउट में खाते हैं तो बहुत अच्छा है आपकी रिकवरी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए. इट्स अमेजिंग, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन गाइस. बिल्कुल भी इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. तो चलो अब इसको अच्छे से हम मिलाते हैं. अच्छे से मिलाइए, जितना अच्छे से आप मिलाओगे इसको गरम गरम, उसमें से अरोमा निकलेगा और वो चॉकलेट की खुशबू, प्रोटीन पाउडर की खुशबू, ओट्स की खुशबू बहुत अच्छी आएगी. तो जल्दी से इसको मिला देता हूँ मैं. बहुत से लोग ये चिंता करते हैं कि यार प्रोटीन ज़्यादा ना हो जाए, तो डिपेंडिंग आपके पास कौन सा वे प्रोटीन है आप उसमें देख लीजिए. मेरे में 24 ग्राम्स तक प्रोटीन आ रहा है. तो अब ये चॉकलेटी बन गए, इसमें बहुत सी और भी चीज़ें डालनी है गाइज. ये मत सोचो कि बस अब ये खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत है, अभी इसमें और भी चीज़ें डालनी है. तब तक मैं गाइज अपनी कॉफ़ी बना लेता हूँ. यहाँ पर मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे यूज़ करी है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप मंगवा सकते हो. इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि आप जब इतना अच्छा खाना बना रहे होंगे, ब्रेकफास्ट बना रहे होंगे, तो ये भी आपके पास आएंगी. इनका नाम बेला है. चलो अब जल्दी से कॉफ़ी बना लेता हूँ गाइज. ये जो डिकॉक्शन है, इस ये बर्तन है डिकॉक्शन का गाइज, मैं देख लूँगा अगर ऑनलाइन होगा अवेलेबल तो मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा. वरना इंडियन एक डिकॉक्शन के लिए भी बहुत अच्छा बर्तन आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल है, वो भी अच्छा है, बहुत आसान है. इसके अंदर यहाँ पे आपने पानी डालना होता है, ऊपर से जाली रखनी होती है, और बस उसको गैस स्टोव पे डाल दीजिए. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. ये अब आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए,
अब इसके ऊपर जो साथ में एक छन्नी आती है वो आप छन्नी लगा दीजिए और कॉफ़ी डाल दीजिए इसके अंदर। अब इसको अच्छे से आप टाइट कर दीजिए, गैस स्टोव पे सीधा मत रखना गाइस, इसके नीचे आपको एक छलनी रखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसी होती है छलनी। और इसको आप अच्छे से बंद कर दीजिए, जनरली रोटी बनाते हैं तो हमारे पास घर में वो होती ही होती है। चलो इसको गैस पे रखते हैं, तब तक हम अपने ओट्स देखते हैं। ओट्स जैसे गाइस मेरे को थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, वैसे तो प्रोटीन पाउडर में भी काफ़ी चीनी होती है, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा शहद डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच शहद डाला है गाइस, तो आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं मन आपका तो मत डालो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। मेरा थोड़ा स्वीट टूथ है। उसके बाद गाइस मैंने चिया सीड्स लिए हैं, अगेन इट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है गाइस, जब मैं अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तो मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली कि आप चिया सीड्स खाओ बहुत अच्छा है। तो आप या तो अपने पॉरेज के ऊपर डाल के खा सकते हो, ओट्स के ऊपर डाल के खा सकते हो, वैसे भी आप पानी में भिगो के भी इसको पी सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं पर्सनली अपने पॉरेज के अंदर थोड़ा सा चिया सीड्स डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलो फिर डालते हैं ग्राउंडेड फ्लेक्स सीड्स गाइस। फ्लेक्स सीड्स जैसा कि आपको पता है, अगेन इट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगेन इट्स फुल ऑफ डाइटरी फाइबर, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हो। आप वैसे भी इसको पानी के साथ भी ले सकते हो, बट मुझे क्रश करके अंदर डालना ओट्स के अंदर बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है गाइस फ्लेक्स सीड्स का, वॉलनट से मिलता जुलता फ्लेवर है। थोड़े से गाइस मैंने बादाम भी डाले हैं, बादाम का तो आपको सबको पता है कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई है गाइस तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, सो ज़रूर आप एलमंड ज़रूर डालिए। चलो अब जल्दी से अपनी टेबल सेट करता हूँ, पहले इसके साथ खेल लूँ, बहुत दिन से मैं इससे बात नहीं कर रहा था तो वीडियो शूट कर रहा था तो उसको गुस्सा आ गया। चलो अब सेट कर लेता हूँ जल्दी से। मैं इसका कैलोरी ब्रेकडाउन भी आपको बताऊंगा गाइस सारा का सारा, कि कैलोरीज कितनी हैं क्या है, ताकि आपको और आसानी हो। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरीज नहीं है। चलिए गाइस मैं जल्दी से आपको मैक्रो ब्रेकडाउन बता देता हूँ। कार्ब्स इसके अंदर है 32 ग्राम्स, फैट इसके अंदर है 12 ग्राम, प्रोटीन है इसके अंदर 36 ग्राम्स और टोटल कैलोरीज हो गई हैं 373। लेकिन गाइस इसके अंदर मैंने कोकोआ पाउडर की कैलोरीज नहीं लगाई, हनी की नहीं लगाई, चिया सीड्स की नहीं लगाई, फ्लेक्स सीड्स की नहीं लगाई, एलमंड्स की कैलोरीज नहीं लगाई है, वो मैं आखिर में जाके मिसलिनियस में ऐड कर देता हूँ जब मैं अपनी मील बना रहा होता हूँ। तो 373 कैलोरीज हैं वे प्रोटीन के अंदर, ओट्स के अंदर और पीनट बटर के अंदर, एक्स्ट्रा आप 80 कैलोरीज लगा लीजिए तो अराउंड 450 कैलोरीज की ये टोटल ओटमील है, विच इज़ रियली अमेजिंग अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी में हैं और पोस्ट वर्कआउट आप अगर इस ब्रेकफास्ट को खाते हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। कमेंट सेक्शन में गाइज मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप अपने ओट्स कैसे बनाते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर फैमिली, टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखिए, बाय।